पीएन जंक्शन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ द पीएन जंक्शन, ओके. एंड वी हैव आल्सो वी हैव सीन दैट व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ रिवर्स बायस, ओके. नाउ आई हैव स्टेटेड इन द लास्ट क्लास रिगार्डिंग द आइडियल कंडीशन. अगेन आई रिपीट इट, जब आइडियल कंडीशन की हम लोग बात करते हैं, आइडियल कंडीशन ऑफ द डायोड, सो इन द आइडियल कंडीशन क्या होता है कि वेन वी आर कंसिडरिंग द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, इन दैट केस वी एज्यूम इट इज एट कंडक्टर. हम लोग एज्यूम करते हैं कि पूरा का पूरा इसके थ्रू क्या हो रहा है कि करेंट का फ्लो हो रहा है. जब हम लोग रिवर्स बायस एज्यूम करते हैं तो रिवर्स बायस के केस में हम लोग एज्यूम करते हैं कि पूरा का पूरा क्या हो रहा है कि डायोड क्या है कि दैट एक्ट लाइक इंसुलेटर, उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है. अगेन आई रिपीट, हमने देखा था वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड में कि जब फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो फॉरवर्ड करंट होता है द रेंज ऑफ दैट फॉरवर्ड करंट इज इन मिली एम्पियर. And in the case of reverse bias, the range of reverse bias current is in the micro. The difference is, you know, the difference between mini and micro, that is 10 to the power minus 3. That is a big difference. And though it's an important part, the diode resistance. And diode resistance under three conditions are static condition, forward bias and reverse bias, ideal diode, semi-ideal diode वगैरह था पुराने सिलेबस में, लेकिन आप लोग के सिलेबस में नहीं है. So let's assume it. हम लोग क्या assume करेंगे कि जब तक कुछ mention नहीं है, तो जब तक कुछ mention नहीं है तो हम लोग यही mention करेंगे कि diode क्या है, कि फॉरवर्ड बायस में है तो उसके अक्रॉस कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, जंक्शन पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है, कोई कैपेसिटेंस नहीं है, पूरा का पूरा वॉकेट क्या कर रहा है कि एक इंसुलेटर की तरह एक्ट कर रहा है. एंड इन द सिमिलर फैशन व्हेन वी आर कंसीडरिंग इन द रिवर्स बायस देन वी कैन एज्यूम दैट डायोड की क्या रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, इतना ज्यादा हाई है कि उसके थ्रू कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, दैट इज एक्ट लाइक अ ओपन सर्किट, ठीक है. तो ये हमें क्या करना है, ये हमें एज्यूम करना है. दिस इज अबाउट द एजम्पशन ऑफ द रेसिस्टेंस, द एजम्पशन ऑफ द जंक्शन रेसिस्टेंस. नाउ कमिंग टू द पोटेंशियल बैरियर, तो पोटेंशियल बैरियर में भी यही होगा कि अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि फॉरवर्ड बायस के केस में, क्या होगा कि फॉरवर्ड बायस के केस में कोई भी पोटेंशियल बैरियर नहीं होगा, खैर तो रिवर्स, कोई भी पोटेंशियल बैरियर जो हम लोग लेते थे कि सिलिकन में 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट, उसको हम लोग क्या करेंगे कि नेगलेक्ट करके चलेंगे जब तक ये मेंशन नहीं हो कि हमें कंसीडर करना है. जब तक कहीं भी कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, कहीं भी इंटरव्यू में कहीं भी कुछ पूछा जाए, अगर जब तक मेंशन नहीं हो तब तक है हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि द डायोड टू बी आइडियल. The diode to be ideal means there is no voltage drop across the resistance, there is no barrier potential, and the resistance in the junction resistance in the case of forward bias is zero. That exactly, perfectly act like conductor. And in the case of reverse bias, insulator that act like open circuit. So taking this concept in the mind, we are moving forward with the application of diode. Application of diode, क्योंकि जो कुछ भी हम लोग बताए, चलो ठीक है कि इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया कि we constructed the diode, transistor, whatever, many things. So ultimately what matters? अल्टीमेटली ये क्या मैटर करता है, अल्टीमेटली यही मैटर करता है कि उसका हम लोग अप्लीकेशन क्या क्या कर रहे हैं, उसके अप्लीकेशन के बाद हमें क्या हो रहा है, अप्लीकेशन के बाद हमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है, हाउ दैट इज बेनिफिशियल इन आवर रियल लाइफ. वी कैन टेक एग्जाम्पल दैट एलईडी का नाम आप लोग सुने होंगे, पहले आप लोग के सिलेबस, पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में भी था एलईडी पढ़ना और फोटोडायोड, अब नहीं है, लेकिन कम से कम ये इतना कॉमन चीज है कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि दैट इज आल्सो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ डायोड.
तो उसका बहुत सारा विच होता था कि जैसे देखते थे दिवाली वगैरह में ये क्या होता था कि वो घर को सजाने के लिए एलईडी यूज कर सकते थे, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हैं उसमें हम लोग लाइट इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते थे। आज उससे आगे बढ़ते हुए हमने क्या देखा, हमने देखा कि जितना भी टीवी है, तो टीवी आज जितने डेट में सुनते हैं, जो नया खरीदा रहा है, पुराने की बात छोड़ दीजिए, तो क्या हुआ कि पहले एलसीडी का जमाना आया, आज के डेट में जितने भी टीवी हैं सबके घर में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एलईडी टीवी आ रहा है। मीन्स क्या है कि उसका जो स्क्रीन है दैट इज मेड फ्रॉम एलईडी, बहुत सारे एलईडी को मिलकर के एक स्क्रीन बनाया गया। उससे भी आगे बढ़े तो आज के डेट में जब जो भी हम लोग घर में बल्ब यूज करते हैं, पहले क्या था कि ट्यूब ट्यूब हम लोग यूज करते थे, अब क्या करते हैं कि उसके बदले और उसके और बल्ब के केस में क्या करते थे, सीएफएल कॉन्टेक्ट फ्लोरोसेंट लैंप हम लोग यूज करते थे। अभी क्या हो रहा है कि हर जगह जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है कि लगभग हर, चाहे वो गांव हो या घर हो, मुझे लगता है कि हर घर में कम से कम दो चार तो एलईडी बल्ब होंगे। तो वो क्या है, एलईडी एलईडी का ए एप्लीकेशंस है और वो यूजर्स तक आता है इन द एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन द सिमिलर फैशन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डायोड, तो एप्लीकेशन ऑफ डायोड का जो पहला एप्लीकेशन है एंड द वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डायोड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर क्या करता है अगर हम लोग देखें, उससे पहले थोड़ा सा देखें कि इंट्रोडक्टरी की क्या क्या इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जैसे हमारे घर में होते हैं। हमारे घर में क्या होते हैं कि हम लोग बिहार में रहते हैं, ठीक है, हम लोग बिहार में हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक की कितने ज्यादा है। अब हमारे पास 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, सो हमें क्या करता है कि पावर शेयर करना पड़ता है, वी हैव टू शेयर पावर नॉट बाय चॉइस बट बाय फोर्स फ्रॉम द ग्रिड। कभी किसी पार्टिकुलर टाइम में इधर वो क्या कर देंगे कि ओपन रखेंगे, कभी उधर लाइट देंगे, सब सब जगह एक एक साथ वो फुलफिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उस इमरजेंसी केस में हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर, वो हमारे घर में आज इतने हम लोग एडॉप्ट हो चुके हैं कि हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए एक डिवाइस यूज करते हैं, आप सबने सुना होगा, आप सबों के घर में, सबों नहीं तो कम से कम बहुत सारे लोगों के घर में होगा, एंड दैट इज नोन एज द इन्वर्टर। तो इन्वर्टर हम लोग देखते हैं, तो इन्वर्टर क्या होता है कि एक और चीज, थोड़ा सा इन्वर्टर के पहले एक और चीज देखें, क्या आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी हमारे घर में सप्लाई आता है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड है, वो सबका सब नेचर क्या होता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एसी एंड डीसी। तो ये सबका सब क्या होता है, एसी होता है। हाँ, तो एसी होता है। अब जो है इन्वर्टर का क्या यूज है, तो इन्वर्टर क्या करता है कि जब लाइन नहीं रहता है तो उस केस में क्या करता है कि बैटरी हम लोग यूज करते हैं और उस बैटरी से एनर्जी को कन्वर्ट करके हमारे सप्लाई में देता है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि जो बैटरी से एनर्जी मिलता है वो किस नेचर का होता है, जो बैटरी सप्लाई से एनर्जी मिलता है द नेचर ऑफ दैट एनर्जी इज डीसी, दैट इज वेरी कॉमन ऑल ऑफ अस नो। तो उस वो डीसी है, डीसी को हम लोग क्या करते, तो डीसी को क्या करता है इन्वर्टर, डीसी को फाइनली एसी में कन्वर्ट करता है, इन्वर्टर का यही काम होता है। सो इन द सिमिलर फैशन अगर हम लोग अपोजिट कुछ करना चाहें, अपोजिट करना चाहें मींस क्या करना चाहें कि हम लोग, हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, सप्लाई रिसोर्सेज हैं, वो क्या है, एसी है, लेकिन हमें किसी कारण के लिए डीसी चाहिए, तो वो डिवाइस जो एसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करे दैट इज नोन एज रेक्टिफायर। इसका यूज क्या हो सकता है, इसका यूज हो सकता है कि जितना भी हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट चार्ज करते हैं जिसमें क्या होता है कि बैटरी रहता है, अगेन इन सब के अंदर बैटरी रहता है, बैटरी का नेचर क्या होता है, डीसी होता है। तब जो बैटरी का नेचर डीसी होता है तो इसमें क्या करेगा कि बैटरी कि हमें डीसी से चार्ज चाहिए, तो ये क्या कर हम, लेकिन हमारे पास सप्लाई है वो क्या है, जो हमारे पास सप्लाई है वो एसी नेचर का है, तो रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। आप सभी लोग के पास मोबाइल चार्जर है, ठीक है, अगर कभी कभी आप लोग वो देखें कि आप लोग का मन हो कभी चार्जर कोई खराब हो जाए, ठीक है,
और उस चार्जर को आप लोग क्या करें कि वो स्क्रू से खोल कर करके देखें, तो उस सब में एक एक रेक्टिफायर जरूर रहता है। जहां भी चार्जिंग कंपोनेंट है, चार्जिंग इंस्ट्रूमेंट है, वहां पे क्या होगा कि एक रेक्टिफायर जरूर रहेगा। ठीक है, तो चलिए, सो नाउ कमिंग टू प्रभात कुमार, ज्वाइन ऑन टाइम जी। यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम, इट्स ब्रेक माय फ्लुएंसी। ओके, सो सी, रेक्टिफायर, अ रेक्टिफायर इज एन डिवाइस। मैंने इलेक्ट्रिकल काट दिया बिकॉज अर्लियर वी देयर वाज ओनली इलेक्ट्रिकल ब्रांच, नाउ इट्स इलेक्ट्रॉनिक्स। सो सिंपली वी कैन से द रेक्टिफायर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, एसी करंट टू डीसी। एसी को क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। द प्रोसेस इज नोन एज रेक्टिफिकेशन, या जो प्रोसेस हुआ एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेक्टिफिकेशन। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि व्हाट अबाउट द टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। तो टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, वन दैट इज नोन एज द हाफ वेव रेक्टिफायर, अनदर दैट इज नोन एज द फुल वेव रेक्टिफायर। अभी हम लोग देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा, उसके वर्किंग प्रिंसिपल। सो नाउ गोइंग टू द फर्स्ट वन, दैट इज द हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, देखिए इसमें क्या है कि एक हम लोग डायोड लेते हैं। मेरा कर्सर आप लोग को दिख रहा है ना, जब कर्सर मूव करते हैं, कोई एक दो लड़का बोल सकते हैं। नो सर, अच्छा चलिए, हाँ तो ठीक है, ये क्या है, एक डायोड है। अब डायोड के साथ हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक आरएल, जहां भी सबस्क्रिप्ट में एल लगा हुआ है, दैट इंडिकेट्स द लोड। वो लोड क्या हो सकता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल, जितने भी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, दैट इज नोन एज द लोड। लाइट, टीवी, बल्ब, फैन, एसी, फ्रिज, ओके, दिस ऑल आर इलेक्ट्रिकल लोड, लोड इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाई, बिकॉज दैट कंज्यूम एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे हमने एक क्या किया है कि लोड लोड लगाया है। आप लोग ये भी पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज BEE, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, द नेचर ऑफ लोड में भी आर एल और सी और इवन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, क्या सकता है कि RL, RL, LC, ठीक है, RC, कोई भी किसी भी तरीका का लोड हो सकता है। बट द वेरी सिंपल इज रेसिस्टिव लोड। आरएल जो लोड होता है, जो रेसिस्टिव नेचर का होता है, वो सब उसको डील करना सिंपल होता है। और यहाँ पे हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये नहीं है कि लोड के नेचर को पढ़ना। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि जो डिवाइस पढ़ रहे हैं उसके फंक्शनिंग को पढ़ना। यहाँ पे हमने क्या स्टार्ट किया है, हमने रेक्टिफायर स्टार्ट किया है, तो हमें रेक्टिफायर समझने पर ज्यादा जोर देना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या हो गया कि ये हो गया एक डायोड। डायोड के साथ हमने क्या किया कि एक लोड कनेक्टेड है, वो लोड कुछ भी हो सकता है, चार्जर हो सकता है, टीवी, फ्रिज, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सिंपल केस में हमने ये माना है। अब इसके अक्रॉस जो लोड के अक्रॉस जो आउटपुट हमें मिलेगा, वोल्टमीटर लगाएंगे, उसको हमने किसे इंडिकेट किया है, वी आउट, आउटपुट वोल्टेज। जो करंट फ्लो हो रहा है इस लूप में, उसको क्या कहते हैं, आई। अब देखिए, अब इन सबको कनेक्ट करने के पहले, ये तो हम डायरेक्ट डायोड से कनेक्ट कर देते, यहाँ कनेक्ट कर देते, इन सबको कनेक्ट करने के पहले हमने स्टार्टिंग क्या किया कि यहाँ पे एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई से कनेक्शन लेके हमने क्या किया है, एसी सप्लाई से कनेक्शन लेकर के हम यहाँ पे, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पढ़े होंगे कि दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर। यह क्या है, यह एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, जब यह एक क्या है, ट्रांसफार्मर है। हाँ, ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के बाद फिर हम लोग सप्लाई जो दे रहे हैं वो इधर दे रहे हैं रेक्टिफायर में। बेसिकली रेक्टिफायर का फंक्शनिंग ट्रांसफार्मर के बाद शुरू हो रहा है। अब चलिए,
अब थोड़ा सा हम लोग ये भी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का क्या काम है। तो ट्रांसफार्मर का ये काम है कि जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि क्या करता है कि चार्जर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो चार्जर क्या होता है कि मोबाइल चार्जर वगैरह जितने हैं, और हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट काफी कम वोल्टेज पे चलते हैं, 20 वोल्ट 25 वोल्ट 30 वोल्ट उनका रेंज होता है, इसी रेंज पर ऑपरेट होते हैं। लेकिन हमारे जो घरों में सप्लाई होता है वो क्या होता है, घर में सप्लाई आता है सिंगल फेज की अगर बात करें तो सिंगल फेज हमारे पास 230 वोल्ट सप्लाई आता है। तो अगर हम लोग क्या करें कि अगर हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन को रेक्टिफायर के क्रॉस लगा दें, डायरेक्ट हम लोग इस जो सप्लाई है हमारे घरों में उसको डायोड के क्रॉस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये डायोड तो उड़ेगा ही, साथ ही साथ मोबाइल चार्ज मोबाइल लगाए हैं तो वो मोबाइल भी क्या हो सकता है कि मोबाइल भी खराब हो सकता है, चार्जर भी खराब हो सकता है, मोबाइल भी खराब हो सकता है। चार्जर नहीं, चार्जर की चार्जर के अंदर तो वो ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ट्रांसफार्मर लगाने का मकसद क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे, वो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वोल्टेज को लेवल को अप या डाउन करता है। सिंपल अगर हिंदी भाषा में बोले तो वोल्टेज के लेवल को बढ़ाता है या घटाता है, इनक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। अगर हम इस केस की बात करें तो इस केस में क्या है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में वोल्टेज क्या चाहिए, कम चाहिए, सप्लाई वोल्टेज क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर किस नेचर का होगा, ट्रांसफार्मर का जनरली नेचर होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर ऐसा होना चाहिए जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है उसको क्या कर सके, उसको सेटिस्फाई कर सके, उतना वोल्टेज मिले। तो अगर घर में हम लोग यूज करते हैं तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। हाँ, अगर हम लोग लैब वगैरह में काम कर रहे हैं, लैब में हम लोग काम कर रहे हैं जहाँ पे क्या है कि हमारा जो जो किट वगैरह रहता है जिसमें क्या है कि लैब के किट में कम से कम, मतलब लैब का किट है, लैब के किट में क्या है कि जो सप्लाई है वो सप्लाई ही कम वोल्टेज का दिया हुआ है, ज्यादा नहीं है एसी सप्लाई, तो उसमें हमें डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इक्वल रेशियो ट्रांसफार्मर 1:1 ट्रांसफार्मर, दैट इज नोन एज आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो सर्किट डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हुआ। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे वी इन मीन्स इनपुट वेव का नेचर ए है, मतलब जो एसी सप्लाई दे रहे हैं, जो रेक्टिफायर के अंदर जो इनपुट आएगा वो क्या आएगा, जो हमारे यहाँ घरों में सप्लाई होता है, जो घरों में सप्लाई होता है उसका नेचर क्या रहता है, एसी रहता है। एसी क्या होता है कि हर एक टाइम हाफ टाइम पीरियड के बाद अपना नेचर क्या करता है, बदलता है, पॉजिटिव निगेटिव ये होते रहता है। तो ये, और अगर कुछ कहा नहीं जाए तो क्या होता है कि एसी को हम लोग क्या लेते हैं, साइनसॉइडल लेते हैं। सो दिस इज द सपोज दिस इज द इनपुट वेव। अब इनपुट वेव हम लोग दिए तो इनपुट यहाँ पे एसी सप्लाई इनपुट दिए, इनपुट आने के बाद फिर क्या होगा, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में यह जो इंड ए है वो इंड ए क्या होगा, पॉजिटिव, इंड बी है वो इंड बी क्या होगा, निगेटिव। तो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो डायोड का कंडीशन देखें तो डायोड क्या होगा कि डायोड का यह जो टर्मिनल है वो क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल है। बताया था कि जो एरो जिसमें लगा हुआ है, लाइनिंग खींचा हुआ है, वह जो टर्मिनल होता है वो क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव वोल्टेज है, तो जब तो डायोड क्या होगा कि डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, तो डायोड क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। कैसा कंडक्ट करेगा, एकदम आइडियल, इसमें कुछ कहा नहीं गया, कुछ भी मेंशन नहीं है, एकदम आइडियल कंडीशन की तरह, कंडक्टर की तरह कंडक्ट करेगा, उसमें कोई रुकावट ही नहीं है। मतलब इसके बदला अगर डायोड नहीं भी रहता, इसको डायरेक्ट वायर भी रहता, इस तरीके से कंडक्ट करेगा कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट वायर क्या हुआ कि वायर कनेक्टेड है, इस तरीके से कंडक्ट करेगा। हाँ, तो जब तक पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कि डायोड कंडक्ट करेगा, तो करंट का क्या होगा, करंट का फ्लो होगा,
ऐसे 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 लोड के थ्रू आएगा, फिर करंट ऐसे जाके वापस ट्रांसफार्मर में ऐसे चला जाएगा। तो हम लोग क्या क्या होगा, ये कंप्लीट लूप मिल रहा है, यहां से लेकर करके यहां तक करंट फ्लो कर रहा है। हैंस व्हाट अबाउट द आउटपुट, आउटपुट अक्रॉस द लोड, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज मींस द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, उसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, द नेचर विल बी सिमिलर। ये जब तक ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है तब तक इसके क्रॉस डायोड कंडक्ट करेगा, जब डायोड कंडक्ट करेगा तो इसके थ्रू क्या होगा कि करंट फ्लो करेगा लोड के क्रॉस, तब ये क्या होगा कि पूरा का पूरा ये पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा। अब देखिए व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज, हमने यहाँ पे इनपुट और आउटपुट का मैग्नीट्यूड मेंशन नहीं किया है, वो डिपेंड करेगा कि हम लोग लोड रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये और फिर यहाँ पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं उस पर ट्रांसफार्मर का नेचर है कि ट्रांसफार्मर क्या है, क्या स्टेप अप है, स्टेप डाउन है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, उस पर डिपेंड करेगा। सपोज ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है तो क्या होगा कि जो सप्लाई दे रहे हैं वही सप्लाई यहाँ आ रहा है, जब वही सप्लाई यहाँ आ रहा है और तो डायोड के क्रॉस ड्रॉप हम लोग जीरो मानते हैं आइडियल कंडीशन में, तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज क्या होगा कि लोड के क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल। हाँ थोड़ा सा मैं फिगर बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, इवन कि माय हैंडराइटिंग इज नॉट गुड, नॉट इवन आई कांट से गुड बट इट्स द बैड वर्स्ट, बट यू हैव टू कोप अप, जहाँ पे कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा। तो सी नेचर क्या होगा कि जो इसका नेचर और इसका नेचर दोनों क्या होगा, सेम होना चाहिए, बनाने में अगर कुछ इधर उधर हो गया तो उसको आप लोग नेगलेक्ट करेंगे। अब देखिए नाउ वी आर कमिंग टू द नेगेटिव हाफ साइकिल, द नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होगा कि यह टर्मिनल नेगेटिव, यह टर्मिनल पॉजिटिव, और मतलब यह मतलब क्या कि टर्मिनल ए विल बी नेगेटिव, टर्मिनल बी विल बी पॉजिटिव, तो उसके समय क्या हो जाएगा कि डायोड के पॉजिटिव साइड पी साइड के साथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई, डायोड के एन साइड के साथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई, एंड हेंस द डायोड इज इन रिवर्स बायस। डायोड क्या है कि रिवर्स बायस के कंडीशन में है, जब ये रिवर्स बायस के कंडीशन में है तो क्या होगा कि रिवर्स बायस के कंडीशन में रहने से क्या होगा कि इन आइडियल केस डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे जो रिवर्स बायस के केस में जो माइनॉरिटी करंट होता है, माइनॉरिटी करंट को हम लोग क्या करेंगे, माइनॉरिटी करंट को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, मान के चलेंगे कि रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट ही नहीं करता है, तब डायोड कंडक्ट ही नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए तब ये जो निगेटिव हाफ साइकिल है, निगेटिव हाफ साइकिल में कोई भी कंडक्ट तो जब रिवर्स बायस है कोई भी कंडक्ट ही नहीं करेगा, कंडक्ट मतलब हो गया कि इट्स लाइक ओपन सर्किट, यहाँ पे कुछ नहीं है, एकदम खाली है, सर्किट ही नहीं कंप्लीट हो रहा है, टूटा हुआ है, वायर ब्रेक है, तो इस केस में क्या होगा कि कोई भी करंट इधर से नहीं फ्लो करेगा, करंट फ्लो को क्या करेगा, अलाउ नहीं करेगा, एंड हेंस व्हाट अबाउट द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड, the output voltage across the load V is equal to I into RL, I का वैल्यू जीरो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, hence in this during the negative half cycle, negative half cycle के केस में क्या होगा कि जो output voltage मिलेगा वो output voltage कुछ मिलेगा ही नहीं, जीरो, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए फिर से क्या होगा कि फिर से एक पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला, फिर से ये नेगेटिव, ये जो इनपुट वोल्टेज है फिर अपना नेगेटिव साइकिल कंप्लीट करके फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल में आ गया, जब फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल में आ गया तो फिर टर्मिनल ए क्या होगा, पॉजिटिव, टर्मिनल बी क्या होगा, नेगेटिव, तो ये क्या होगा फिर से डायोड कंडक्ट करना शुरू कर देगा, डायोड कंडक्ट करना शुरू कर देगा, तो फिर से हम लोग क्या होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा, ठीक है। फिर से सिमिलर कंडीशन, निगेटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑफ तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। सो दिस इज द इनपुट नेचर ऑफ द सिग्नल एंड दिस इज द आउटपुट नेचर ऑफ द सिग्नल। यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पे
एसी सिग्नल है, मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल दोनों है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में सिग्नल मिल रहे हैं, निगेटिव साइकिल में सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। हेंस द आउटपुट वोल्टेज इज इन डीसी स्टेट। आउटपुट जो वोल्टेज मिल रहा है वो क्या है, डीसी है। इनपुट क्या था, एसी था। तो हमारे पास ये क्या हो रहा है कि कन्वर्जन हो रहा है कि हम लोग एक डायोड का यूज कर करके, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड व्हाट इज दैट, दैट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का यही काम है कि एसी को क्या करना, डीसी में कन्वर्ट करना। और ये क्या हो रहा है कि कन्वर्ट हो रहा है, एसी से डीसी में कन्वर्ट हो गया। अब चलिए, हाँ, एक तो एसी से डीसी में कन्वर्ट हो गया तो रेक्टिफायर की काम किया, रेक्टिफायर की तरह काम किया। दूसरी अगर हम लोग बात देखें तो दूसरा बात देखें क्या, दूसरी चीज हम लोग क्या ध्यान दे सकते हैं, तो दूसरा चीज हम लोग ये ध्यान दे सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि केवल एक हाफ साइकिल मिल रहा है, दूसरा जीरो, फिर मिल रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर मिल रहा है, फिर जीरो मिल रहा है। तो अगर ये भी मिलता तो क्या हो जाता, पूरा का पूरा मिलता, लेकिन हमें पूरा नहीं मिल रहा है, बल्कि क्या मिल रहा है, आधा मिल रहा है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि इसमें जो जितने हाफ साइकिल है, इधर दैट इज पॉजिटिव और निगेटिव इन द केस ऑफ इनपुट वेव सिग्नल, वी आर गेटिंग द आउटपुट सिग्नल, आउटपुट वोल्टेज ओनली इन द हाफ साइकिल, जितने भी साइकिल हो रहे हैं उसके आधे में मिल रहे हैं। सो द नेम ऑफ दिस रेक्टिफायर इज हाफ वेव रेक्टिफायर। इज इट क्लियर, हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर इस चलते हुआ क्योंकि हमें क्या हो रहा है कि केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में सिग्नल मिल रहे हैं, निगेटिव हाफ साइकिल में नहीं मिल रहे हैं। कहने का मतलब कि जितने टोटल साइकिल्स होंगे उसके आधे में मिल रहे हैं, हाफ में मिल रहे हैं। हेंस दिस इज नोन एज द हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब देखिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द सर्किट एक्सप्लेनेशन ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। ये देखिए सर्किट ऑपरेशन, वही जो मैंने बताया कि कैसे कैसे जाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल, और कैसे कैसे कंडक्ट करता है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग को पढ़ने में थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग प्रॉब्लम हो तो आप लोग ये काम कर सकते हैं, वीके मेहता से ही पढ़ सकते हैं, वीके मेहता से ही मैंने नोट्स लिया है, द बुक इन इटसेल्फ इज इन नोट्स फॉर। ठीक है, और ये सब क्या था कि ये सब डेफिनेशन है, व्हाट इज द हाफ वेव रेक्टिफायर। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द रेक्टिफायर कंडक्ट करंट ओनली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी, ओनली द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी सप्लाई आर सप्रेस्ड। नेगेटिव हाफ साइकिल में कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी ये फिगर सोच द सर्किट को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे क्या रहा फिर सर्किट ऑपरेशन को, जो मैंने बताया कैसे कैसे जा रहा है। नाउ अब हमें क्या हो रहा है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, केवल और केवल आधा इसका मिल रहा है, ओनली वी आर गेटिंग द हाफ पोर्शन। सो इट इज प्रॉफिटेबल, ऑफकोर्स नो, आधा हमें मिल, आधा एनर्जी तो हमारा वेस्ट चला जा रहा है। पॉजिटिव और निगेटिव से क्या मतलब है, वो निगेटिव है लेकिन उस एनर्जी का भी तो हम लोग यूज करते हैं, तो केवल हम लोग आधे पोर्शन ऑफ द एनर्जी को हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि बहुत ही घाटा का सौदा है हमारे लिए। इस केस में अगर इफिशियंसी की बात करें तो ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसका इफिशियंसी 50% से भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग कुछ ऐसा उपाय करें, हाँ, एक तो ये कम आ, दूसरी बात इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी कम हो रही है, दूसरी बात क्या हो रही है कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे गायब है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे गायब है। सो दिस इज नोन एज द इंटरमीटेंट नेचर ऑफ आउटपुट। वी आर गेटिंग द आउटपुट सिग्नल विद द हेल्प ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एज द इंटरमीटेंट वेवफॉर्म। कट कट के आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं है,
एंड दैट इज नॉट गुड फॉर अस दो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इज सच दैट दैट इट इट डजंट इफेक्ट इतना ज्यादा सप्लाई है कि हमें हम नहीं देख सकते हैं कि ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है ठीक है बट अगेन दैट एट लीस्ट इन टर्म्स ऑफ इफिशियंसी दैट इज नॉट गुड तो सी डिसएडवांटेज द मेन डिसएडवांटेजेज ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर्स आर द पल्सेटिंग सर्किट इन द लोड कंटेंस अल्टरनेटिंग कंपाउंड कुछ बेसिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी सही है इसमें भी क्या रहा कि ऊपर नीचे आ रहा है मतलब आ रहा है एक गायब हो जा रहा है ठीक है देयरफॉर एन इलैबोरेट फिल्टरिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्टेडी डायरेक्ट करंट ये हम लोग खास इस पोर्शन को बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिपल फैक्टर जब डायोड रेक्टिफायर खत्म हो जाएगा तब डिस्कस करेंगे उसको में रिपल फैक्टर वगैरह कैसे कैसे क्या होता है लेकिन इतना तो हम लोग कम से कम समझ ही सकते हैं आउटपुट नेचर के वेवफॉर्म से किसको में आधा मिल रहा है आधा नहीं मिल रहा है द एसी सप्लाई डिलीवर्स पावर ओनली हाफ द टाइम सही है देयरफॉर आउटपुट इज लो इवन आवर इफिशियंसी इज लो तो अब इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि हाँ कि जो आउटपुट मिले वो आउटपुट केवल हाफ साइकिल के लिए नहीं मिले बल्कि क्या मिले कि हाफ साइकिल बल्कि दोनों साइकिल के लिए मिले ठीक है एक एक जो रहा कि एक साइकिल में मिल रहा है दूसरा गायब फिर मिल रहा है फिर गायब है अब्सेंट है ऐसा नहीं हो बल्कि कंटिन्यूअस मिले तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कुछ न कुछ साइंटिस्ट ने उस समय के साइंटिस्ट ने कुछ टेक्नोलॉजी सोचा होगा कैसा कुछ क्या करें कि दोनों साइड में मिल सके सो द सॉल्यूशन इज द फुल वेव रेक्टिफायर ठीक है फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है कि फुल वेव रेक्टिफायर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर वन दैट इज नोन एज द सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर बताते हैं अभी क्या होता है सेंटर टैप एंड अनदर वन दैट इज नोन एज द फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर ठीक है तो फुल वेव रेक्टिफायर कितने तरीका के हो सकते हैं जो फुल वेव रेक्टिफायर होंगे वो होंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फुल रेक्टिफायर सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर ठीक है सो नाउ सी द फर्स्ट वन इज द सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर अच्छा समर के रिस्पॉन्ड आपकी क्लास भी है अभी कि हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं क्लास है सर क्लास है सर ओके तो हमें 10:50 में खत्म करना होगा जी सर यस सर ओके यस सर हाँ हाँ चलिए ठीक है ठीक तो आप लोग अभी डाउट अच्छा डाउट है किसी को कि मैं कंटिन्यू करूं डाउट नहीं है ना तो चलिए तो इसमें क्या है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा कि किस सिमिलर जो प्रीवियस फिगर था हम लोग वही करते हैं बल्कि उसमें क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन क्या करते हैं एक ऐसा मॉडिफिकेशन करते हैं ये क्या है कि एक डायोड के बदले इसमें क्या होगा कि दो डायोड का यूज करते हैं D1 एंड D2 ठीक है तो D1 और D2 का यूज किए दो डायोड और जो लोड था वो लोड को हम लोग यहाँ पे जो कनेक्ट किए थे उसके बदले लोड को हम लोग क्या किए कि मिडिल पॉइंट और ट्रांसफार्मर के सेंटर में हमने किया ठीक है हेंस द नेम सेंटर टैप सेंटर टैप का मतलब हो गया कि टैप करना जैसे हम लोग टोका फंसाते हैं गांव में बोलते हैं ठीक है तो ये जो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें हमने टैप किया कनेक्ट किया वो क्या कनेक्ट एक लोड को उसके एकदम सेंटर में हमने कनेक्ट किया ठीक है और एक तो इधर कनेक्ट किया तो ट्रांसफार्मर के सेंटर में हम लोग टैपिंग कर रहे हैं हेंस द नेम सेंटर टैप ओके देन फुल वेव रेक्टिफायर वाई फुल वेव रेक्टिफायर इससे जो आउटपुट आएगा हमारा वो आउटपुट आएगा वो दोनों आएगा मतलब कि एक ऐसा नहीं होगा कि एक हाफ साइकिल गायब नहीं होगा ठीक है
अब देखिए, अब देखने की बात यह है कि एसी सप्लाई जब आ रहा है तो एसी सप्लाई यहां पे दे रहे हैं, काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो अगेन एसी सप्लाई यहां पे इनपुट वेवफॉर्म मैंने नहीं ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप लोग इनपुट जान रहे हैं कि यानी एसी नेचर का होगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होगा कि टर्मिनल ए पॉजिटिव और टर्मिनल बी क्या होगा, निगेटिव। टर्मिनल ए पॉजिटिव होगा तो टर्मिनल ए पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि डायोड डी वन फॉरवर्ड बायस में रहेगा, डायोड डी वन कंडक्ट करेगा। लेकिन बी निगेटिव है तो डायोड डी टू क्या होगा, वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट केस में क्या होगा कि ए कंडक्ट करेगा तो करेंट ए कंडक्ट करेगा तो ये क्या होगा कि वायर से कनेक्टेड है, ये क्या है कि ओपन सर्किट है। जब ये ओपन सर्किट है तब यहां से क्या हो रहा है कि यहां से करंट आ रहा है, तो करंट आ रहा है तो करंट आ रहा है तो करंट आ रहा है तो यहां से क्या सप्लाई आ रहा है कि यहां से आ रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। और ए वाला डायोड डी टू है जो कंडक्ट नहीं कर रहा, मतलब ओपन सर्किट है, उसमें कुछ है ही नहीं, तो इससे जो बॉटम पोर्सन है उसके थ्रू कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा। तो क्या हो रहा है, ये इधर से ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, और करंट इधर फिर लोड के थ्रू फ्लो होगा, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल देखिए, जो करंट का डायरेक्शन मैंने बनाया है वो ब्लैक एरो से बनाया है, तो ब्लैक एरो से क्या हो जाएगा, ए ऐसे ऐसे करंट का डायरेक्शन होगा इन द केस ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। इन द केस ऑफ निगेटिव हाफ साइकिल, इन द केस ऑफ निगेटिव हाफ साइकिल ये क्या होगा कि ये टर्मिनल बी होगा पॉजिटिव, टर्मिनल ए क्या होगा, निगेटिव। तो इस केस में क्या होगा कि डायोड डी वन ऑफ डायोड डी टू ऑन, तो इस केस में जो करंट फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन ऐसे होगा कि जो हम मैंने ब्लू कलर से जो एरो दिया है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू द लोड। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इधर वी आर यूजिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल और वी आर यूजिंग द निगेटिव हाफ साइकिल, इधर द डायोड डी वन इज कंडक्टिंग और द डायोड डी टू इज कंडक्टिंग, द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू लोड रेसिस्टेंस आर एल इज सेम। चाहे वो ब्लैक डॉट एरो को देखें उसमें भी जो करंट फ्लो हो रहा था उसका डायरेक्शन सेम था, जो ब्लू आयरन ब्लू कलर के देखें एरो को इसका भी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो दोनों के क्रॉस क्या हो रहा है कि सेम मिल रहा है। तो इस केस में जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा कि देखिए, फर्स्ट केस में क्या है कि जब डायोड डी वन कंडक्ट कर रहा है, सेकेंड जब डी टू कंडक्ट कर रहा है, फिर से डी वन, फिर से डी टू, फिर से डी वन, फिर से डी टू, इस तरीका का क्या हो रहा है, इस तरीका का कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, समझ गया। तो फाइनली अगर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे वोल्टमीटर लगाएंगे, वोल्टमीटर लगाएंगे तो देखेंगे कि अगर यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसा पूरा का पूरा एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिल रहा है, तो ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन यहाँ भी हो रहा है, जो आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट क्या है कि आउटपुट वोल्टेज जो है, आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा, आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है केवल उसमें निगेटिव हाफ साइकिल नहीं है, केवल और केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल है। हेंस ये क्या कर रहा है कि दिस एक्ट लाइक रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या हो रहा है कि काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल नहीं मिल रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल नहीं मिल रहा, साथ ही कंटिन्यूटी मिल रही है, हेंस उसको ब्रेक नहीं हो रहा है। So this is the function of center tap full wave rectifier. Time over. तो हम लोग next class में discuss करेंगे, इसका और भी कुछ explanation है। Is this okay?